कल अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉलोनी के एंट्रेंस के ऊपर मेरे एक फ्रेंड को तीन चार लोगों ने पकड़ा और मोबाइल स्नैच करने की कोशिश। कुत्ते और पति में फर्क है, पति सुन लेता, कुत्ते नहीं सुनते आजकल। मैं मोटा चूहा, देख मोटा चूहा आ गया मोटा चूहा। वो लोग शादीशुदा और अब उनके बच्चे हो गए हैं, तो अब बताओ कि अब आपका प्यार कैसे बटा। मुझे पता है कि उसमें भी माँ का आंसर सबसे पहले आएगा लोगों का। इतने फ्रूट तो तुमने मुझे भी नहीं प्रेगनेंसी में खिलाए थे जितने तुम अपनी इसको खिलाई जा रहे हो। खरबूजे खा रहे हो तुम? ये तुम्हारी रईस है साले, हमें नहीं मिलते कुछ खाने को। हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने अपने पास के थिएटर में, बता दो कौन सी। आई बी सेवेंटी पता नहीं क्या मूवी है, भगवान जाने। विद्युत जम्बाल की है, थोड़ा एक्शन लग रहा है। क्या हुआ जेजू को, उठ गया जेजू? गुड मॉर्निंग जेना, गुड मॉर्निंग। कौ कर ले तू? कौ बाला सुबह सुबह उठते ही। बाला क्या रखा है बाला में? बाला क्यों देख रहे हैं? बाला अच्छा जी, इसने माइक पकड़ लिया कैमरे का। क्या हुआ बाला पहले गा के सुना मम्मा को। बाला पहले बोल, डांसी करके दिखा पहले मम्मा को। बाला शैतान का साला। बाला देखना रिमोट लेकर आओ टीवी का। वो देखो लेने गया टीवी का रिमोट। सारी अक्कल है भाई आजकल के बच्चों को। क्या देखना है? बाला ढूंढो। बाला है ही नहीं। बाला है ही नहीं जेना। बाला का है? बाला ये रहा। हाँ ये रहा, वो देख कहाँ है ये रहा। हाँ वो रहा बाला। अब मेरे को दिखा रहा है पॉइंट आउट करके कि कौन सा बाला है। पीछे के देखो, इतने आगे से नहीं देखना। हाँ वहाँ पे कोने में ना थंबनेल आ रहा है ना, उसको कह रहा है वो है। बैठ जाओ पीछे बैठ के देखो। खुश हो गया मेरा बेटा। जय ये देखो, मैंने डांट दिया ना इसको, अब ये नाटक करेगा। ये देखो जय क्या हुआ है? चाटा मारू चाटा। देखो नाटक शुरू हो गया अब इसके। इतना पैम्पर्ड लड़का है ना ये, और हमने तो किया नहीं इसको पैम्पर। ये अपनी नानी के घर से सारा पैम्पर होके आया है। छोरा पैम्पर नानी के घर से होके आया है ये है। चेन टप्पी जेजू शैतान बच्चे। मोटा चूहे को बुलाओ। मैं मोटा चूहा। देख मोटा चूहा आ गया मोटा चूहा। मोटे चूहे जेजू को ले जा। जेजू इतना फट्टू है ना, सच में डर के बैठ गया मोटे चूहे से। Hi guys, welcome to new vlog, welcome to Namitology। और नमिता ये बैठी, शिवाय यहाँ बैठा है, शिवाय यहाँ बैठा है, मन्नी यहाँ बैठी है, और पीछे है जेजू टीका लगा के, क्योंकि आज इसके पापा गए थे मंदिर और वहाँ से हनुमान जी का टीका लेके आए हैं, तो हमने दोनों बच्चों को लगा दिया। और अब हम जा रहे हैं जेजू को और शिवाय को छोड़ने नानी के घर, क्योंकि वहाँ से वो जाएगा अपनी स्पीच थेरेपी की क्लास, जो हर रोज का प्रोसीजर है और ऐसे ही चल रहेगा। तो मैंने आप सबको एक चीज अपडेट करनी थी। कल अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉलोनी के एंट्रेंस के ऊपर मेरे एक फ्रेंड को तीन चार लोगों ने पकड़ा और मोबाइल स्नैच करने की कोशिश। लकीली वहां पे तीन चार लोग जा रहे थे, तो उनको देख के वो भाग गए, और ये इंसिडेंट कॉलोनी के बिल्कुल एंट्रेंस पे हुआ। तो इस चीज से ना एक चीज, कल रात को मुझे पूरी रात वही सपने आते रहे। मैंने कहा बाई चांस अगर मैं बब्जी या लेडी ऑली दोनों को साथ लेके जा रहा हूँ या किसी को भी साथ लेके जा रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो, तो उन वो जो तीन बंदे थे अगर उनमें से किसी को भी बब्जी पकड़ ले या लेडी ऑली पकड़ ले, और फिर क्या होगा? फिर वो ब्लेम क्या ओनर के ऊपर आएगा या फिर वो प्रोटेक्शन के अंदर उनको अवार्ड दिया जाएगा? ये चीज ना मैं पूरी रात में सोचता ही रहा हूँ सपने के अंदर कि यार ये अगर ऐसा कुछ हो गया तो कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि तूने रॉटवाइलर रखा है, और वैसे भी इस चीज की तो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मार्केट में चली रही है। तो ये चीज मुझे ना जरा कमेंट्स में बताओ अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। और बब्जी आके बैठ गया है सीधा मम्मी के पैरों में, और यहाँ मम्मी खा रही है राजमा चावल जो हमारी माता जी ने बनाया। थैंक यू। कई बार किसी और के हाथ में खाना खा के भी अच्छा।
हम परेशान हो गए हैं। तू मैं सवेरे कह दिया था मम्मी मेरे लिए ये बना दो, मैं तेरे को ना बना के दूं तो तू नहीं सकता। ठीक है बोल दिया करेंगे। जब तक हम यूएस जा रहे हैं ना तब तक बस हमारा है, उसके बाद आके ना हम सोचें कि कुछ लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। लेडी ऑली मार खानी है तूने, है ये चीज कब सिखाई है हमने तेरे को? हमने इसको सिखाया है क्या है पगली सी को, इतना ज्यादा लाड़ प्यार दिया है इसको, बिगड़ गई वो, सीखा सिखाया तो वो है, उसको बहुत अच्छा ट्रेन किया। राजमा खानी है तूने, मैं अपनी खानों से खिला रही हूँ। इसकी बैक साइड कितनी मोटी हो गई है। ये प्रेग्नेंट है दोबारा में। बबजी आके शांति से बैठ गया। ओली बैठ जा, सिट 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 नो। वो सुनेगी वो नहीं सुनेगी आपको, इसको प्यार चाहिए आपसे। अच्छी लंबी हुई पड़ी है ये। ये क्या है, थोड़ी सी खिड़की की खोल दी है, ऐसे डिजाइन बना हुआ। रेडीमेड लिए है क्या? अभी खा ले खाना। अभी खाता हूँ। मैंने एक खरबूजा पड़ा था वो काट के अंदर रखती हूँ। मैं बड़े सारे, अरे वो नीली लाए ना, एक खरबूजा उसको। किसको खिला रहे हो इतने खरबूजे? औला को तो खिलाओ, प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो फ्रूट, इतने फ्रूट तो तुमने मुझे भी नहीं प्रेगनेंसी में खिलाए थे जितने तुम अपनी इसको खिलाई जा रहे हो। खरबूजे खा रहे हो तुम, ये तुम्हारी रईस है साले, हमें नहीं मिलते कुछ खाने को। और खाने दे दो यार, एक उसको भी दे दो, ये लो। चलो बस फिनिश, चलो फिनिश हो चलो। अब मेरे पास आ गया ये कि कुछ मिलेगा, मैं नहीं कुछ दे रही। वहां से हट जा, नहीं मम्मी के पास नहीं, बैठ जा नीचे बैठ जा। उसको सीट पता है, उसको हिंदी नहीं आती। नहीं वो देख तेरे पास आके बैठ गया। क्या चाहिए तुम्हें मेरे से? इनको मजे आ रहे खरबूजा खाने में। बब्जी तो बैठ गया, वो समझ गया कुछ नहीं मिलने का है ना बब्बे। बब्जू ओला, काली नागन के जैसी जुल्फे तेरी, काली काली ओ काली ओ काली ओ मेरी कालो राम। सुंदर होती है काली, सोनी सोनी सोनी। पद्दी किसने मारी है तुम में से? पद्दी किसने मारी है? तूने पद्दिया मारी है? बब्जी ना एक तरफ खरबूजे खा रहा है, दूसरी तरफ पद्दिया छोड़ रहा है, है बब्बे? बब्जी राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती राहुल? लेकिन ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने वो खिड़की वाला सूट क्यों पहना था? सेक्सी है। अब उस खिड़की से क्या क्या होगा? पापा खाना खा रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन, तेको जो चाहिए मैं दूंगी, बैठ जा सिट सिट बब्बे। और राहुल खाना खा रहे हैं, बब्जी को भूख लग रही है मेरे ख्याल से। बब्बे भूख लग रही है बाबे को, है बाबे? ओए 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 मेरा बेटा सिट, ओए 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 मेरा बेटा। हाँ ओले ओले ना, ओले को देख रहे हो राहुल, नाक से ना सूंघ रही है सब कुछ कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तुम्हें दोनों को बड़ी भूख लगी हुई है ना? खाना देता हूँ मैं तुम्हें, पहले तुम आराम से खा लो फिर दे देंगे। हाँ सिट डाउन बोथ ऑफ यू सिट, ओला सिट, ओला कमांड सीट वाली तो बहुत अच्छी लेती है, शायद लालच से लेती है मुझे लगता है ना। क्या हुआ है राहुल, शाम को मूवी चलोगे क्या? 5 बजे है करूँ? कौन सी वही विद्युत जम्वाल वाली? 5 बजे का शो है, 5 बजे से 7 बजे तक होगा, 7:30 होगा मैक्सिमम। हाँ, तो जिम मिस कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे रहते हुए सीधा आ जाएंगे। देखूं मेरे को ना ओला आज डोबरमैन लग रही है, कितनी लंबी सी लग रही है ना, बस मुंह छोटा लग रहा है, अदरवाइज ना ये लंबी है बब्जी से ज्यादा। हाँ, बब्जी तू कितना लकी है, तेरे को कितनी लंबी बीवी मिली है, बिल्कुल अपने पापा जैसे है ना। तुम्हारी भी हाइट कोई खास नहीं है पर तुम्हें लंबी लड़की है, तो मेरी 5-6 है, तो बच्चे इस, मतलब अच्छा होता है कि बीवी अगर छोटी हाइट का लड़का ना लंबी बीवी ले ले तो बच्चे लंबे निकल जाते हैं। 6'1" तुम्हारे घर में कोई नहीं, पापा भी नहीं होंगे 6'1" राहुल, 5'11" होंगे, 6 फीट नहीं होंगे। क्या बात कर, नहीं होंगे बता रही हूँ ना। तो बब्जी तू भी बहुत लकी है, तेरे को लंबी बीवी मिली है, तू तो छोटा है,
आई थिंक बब्जी ना हिप डिस्प्लेसिया की वजह से छोटा रह गया। ओला लंबा है ना, ओला ओला मेरा लंबा है। ओला के बच्चे हुए थे याद है, उसमें से एक बच्चा जो डीजल सबसे पहले निकला था, कितना तगड़ा और लंबा था, है ना ओले। बब्जू, बब्जू ने मेरे को इतनी गंदी लुक दी है कि मैंने उसकी बीवी से कैसे बात की। बहुत प्रोटेक्टिव है तू राहुल, मुझे बड़ी गंदी निगाहों से देख रहा है। बब्स, इनको भूख लगी हुई है राहुल, खाना बोल। तुम खरबूजा खा रहे हो ना, वो तुम्हें खड़े होके देख रही है कि मुझे भी मिलेगा। दूर से ही देख रही है, मेरे पास नहीं है खरबूजा। बिल्कुल मैनली लग रहा है। और बब्बे को ना खरबूजे के लालच में राहुल ने बुला लिया और वो भाग रहा। लेकिन जब तक बब्जी को खुद राहुल बुला के ना देना, तब तक कोई बदतमीजी नहीं करता है। लड़का ना बहुत समझदार है। हमेशा बब्जी को चीज ज्यादा देते हो ना राहुल, है ना? ऐसा क्यों करते हो तुम? जैसे तुम्हें शिवाय से प्यार है कंपैरेटिवली जय से ज्यादा, वैसी तुम्हारे लिए बब्जी है ना? ऐसा नहीं है यार, मुझे अपने दोनों बच्चों से पूरा प्यार है। सबको अपनी बीवी से प्यार होता है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, बीवी से, बच्चे से, या माँ से? माँ से सब करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी करती हूँ अपनी मम्मी से, लेकिन मुझे लगता है शादी के बाद ना। मैं बताता हूँ, मैं कि जो लोग शादीशुदा नहीं है, ठीक है, तो वो तो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, फादर से कम, भाई से कम। जो लोग शादीशुदा है और अब उनके बच्चे हो गए हैं, तो अब बताओ कि अब आपका प्यार कैसे बटा। मुझे पता है कि उसमें भी माँ का आंसर सबसे पहले आएगा लोगों का, पर फिर भी मैं ये सोच जानना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी बीवी को ऊपर रखते हैं अपनी माँ से, वो भी देखना चाहता हूँ। तुम अपनी बात कर दो पहले। मेरे लिए मेरी मदर नंबर वन, मेरी वाइफ। ये नहीं हो सकता, शेयर स्पॉट नहीं होता। एक को चुनो, शेयर स्पॉट है ही नहीं, एक को चुनो। मैंने बीच में लाइन खींची हुई है अपनी लाइफ की, आधा मेरा तेरा, आधा हिस्सा मेरी मम्मी का। फटाफट बता दो, रात की रोटी खानी है या जूते खाने? रात की रोटी मम्मी बना रही है या तू बना रही है, ये बता। बेटा तुम्हें भी पता है तुम्हारी मम्मी ना कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकती है। वो अपने पति की बहुत सगी है, तुम्हारी तरह नहीं। वो अगर अपने पति की सगी है तो मैं भी अपनी पत्नी का सगा हूँ। मेरे लिए मेरी वाइफ नंबर वन और मेरी मम्मी भी नंबर वन। थैंक यू। एक का नाम लो। तुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले नंबर वन कौन है? शिवाय। और फिर तुम? फिर जे। फिर जे। और फिर मेरा भाई। फिर मेरे मम्मी पापा करते स्पॉट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मुझे मेरे भाई भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए हमेशा से मेरी मम्मी पापा से ऊपर मेरा भाई रहा। बहुत अच्छा। तो अब तुम तीनों जो आ गए हो, लेकिन हाँ एक स्पेशल स्पॉट भी है मेरी लाइफ में, वो है इन तीनों का भी, ये जो बैठे है ना दोनों, और इस गधी का कोई अक्कल नहीं है, इसको। है? कुतिया? मेरी छोटी सी कुतिया? बब्जी चौंक हो गया, कह रही क्या कर? बब्बा क्या हुआ हमारे बच्चों? कुछ बब्जी से सीखो बीवी का वो, कि कैसे बीवी को रिस्पेक्ट करते हैं, बीवी का ध्यान रखते हैं, है ना? आ जा ओला, कम 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 कम। तो सब मिसिंग क्यों हो रही है? हकी आ जा, आजा मेरी गुड़िया, आजा आजा, हाँ आजा मेरा बच्चा। देखा मेरी सारी बातें समझती है। मॉन्स्टर्स लग रही है ये, है ना? मेरी बराबर ही आ गई है। जोई को ले आ, थोड़ी देर अंदर मिलवा ले। अभी उसने टांग अप कर देना, मैं नहीं ला रही उसको। बाय ओला बब्बा, बाय, शाम में मिलते हैं। पीछे 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 पता है क्यों जा रहे थे मजे से? क्योंकि राहुल के हाथ में ना इनका खाना है। बाय बाबजी। हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने अपने पास के थिएटर में, बता दो कौन सी। IB71 पता नहीं क्या मूवी है, भगवान जाने। विद्युत जम्बाल की है, थोड़ा एक्शन लग रहा है। ये पीछे एम्बुलेंस अटकी हुई है ना? तुम्हारे पीछे नहीं है, उस तरफ है, तुम कुछ कर नहीं सकते। तब यहाँ बैठे हुए मैकडॉनल्ड्स में, ये रहा हमारा ऑर्डर आईडी। 10 minutes, 15 minutes रहेंगे मूवी स्टार्ट होने में, पहुंच जाएंगे। सो फाइनली हम पिक्चर देखने आए हैं, पूरा हॉल अभी खाली है, पीछे की भरनी स्टार्ट हो गई है। और मम्मी कह रही है ये हॉल बेटर है।
बेटर है, लिबर्टी से तो बेटर ही। हम यहीं आते ज़्यादातर देखने, पता नहीं उस दिन क्या क्या हमें पड़ी थी, हम लोग वहाँ चले गए। देखो पिक्चर कैसी होती है, लोग कम तो लग रहे, पिक्चर बेकार ही होगी, देखते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और अब घर पे क्या करते, बैठ के हम आ गए पिक्चर देखने। वैसे ही मेरा ना आजकल तबीयत नहीं ठीक चल रही, मुझे ना थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत भी थी। तो अच्छा हुआ तुम ले आए, बर्गर भी खा लिए तो पेट भी भरा। और एक और बात बताऊं, चुप चाप तो कुछ खाने का भी डाल के लाइए। मैं ना घर से ला लूं, दिखाऊं तो कोक जीरो। और एक और चीज दिखाओ, दो नहीं है कोक जीरो, एक ही लाइन शेयर करेंगे। और ना साथ में ना डब्बे में डाल के ना मेयोनीज और सालसा सॉस भी। सही है यार, तो क्या 600-700 रुपए बच जाएंगे। तो गाइस मूवी खत्म हो गई है, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं नानी के घर बच्चों को पिकअप करने। शिवाय की क्लास की स्पीच थेरेपी की कंप्लीट हो गई थी, तो उसको पिक करेंगे और साथ में जी को और घर वापस लाएंगे। और राहुल जी मूवी कैसी लगी आपको? मुझे मूवी अच्छी लगी, जिस मूवी में इंडिया हमेशा आखिर में जीत जाती है तो मूवी अच्छी लगती है, चाहे वो उरी हो। जिस तरीके से वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना एंड में, गाइस मूवी का नाम था IB71, और आई थिंक आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ही हो रहा है, पता नहीं है ना, पर आई थिंक एयरक्राफ्ट का भी हो सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ही, कतर की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कतर में क्या कारनामे किए थे उसके बारे में मेरे ख्याल से। और एक्टिंग के नाम पे विद्युत जम्वाल को कुछ आता नहीं है, लेकिन बिना बॉडी दिखाए, बिना ज्यादा वायलेंस किए, आई थिंक वायलेंस भी नहीं थी, सारी मूवी दिमाग के ऊपर थी। और इतनी लंबी मूवी सिर्फ दिमाग पे खेल जाना बहुत बड़ी बात है। ना विद्युत जम्वाल ने कपड़े उतारे, ना शर्ट उतारी, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, और फिर भी अच्छा ही लगा मुझे तो मूवी। मुझे तो ओवरऑल ठीक लगी, मतलब थोड़ा 2 घंटे हमें अच्छी रिलैक्सेशन हो गई, काफी टाइम से हम सोच रहे थे कुछ करें बाहर जाए पर बन नहीं पा रहा था, तो अच्छी रिलैक्सेशन हो गई थोड़ा बिना बच्चों के भी। और अब जाके वापस अपनी लाइफ में जैसे घुल जाता है पानी के अंदर शक्कर, वैसे घुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, अपने डेली रूटीन में वापस आ जाएंगे। अब बस बच्चों को पिक कर रहे हैं, और थोड़ा थक गई हूँ मैं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। उमर बने रहो ब्लॉग में, इस वीकेंड फिर से हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। और गाइज अभी तक मेरी ड्रेसेस बिल्कुल डिसाइड नहीं हुई है, और मैंने राहुल के ऊपर भरोसा किया था पिछले हफ्ते कि ये चांदनी चौक में जाके मेरी ड्रेस ये नहीं लेके जा रहे, और इनके साथ मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं जा भी नहीं सकता तेरे साथ, इन्हें कोई ना सेंस नहीं है ड्रेसिंग की, तो मैं तो नहीं लेके जा, मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊंगी। और मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि हल्दी पे क्या पहनूं, शादी पे क्या पहनूं, रिसेप्शन पे क्या पहनूं, 3 फंक्शंस हैं, तो थोड़ा गाइड करो यार। और कौन से कलर्स आपको लगता है मुझे ऑप्ट करने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हल्दी में जनरली येलो रहता है, तो आई थिंक आई विल गो फॉर येलो, बट बाकी इवेंट्स का थोड़ा सा बताओ यार कैसे कैसे करूं, कमेंट करो ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है नमितोलॉजी को, और अपनी फैमिली में सबको रेकमेंड करना है कि हमें देखें। और मेरा एक क्वेश्चन था इनसे, तो हम दिल्ली में एक मीटअप प्लान कर रहे हैं, तो आप बताइए दिल्ली में मीटअप कहाँ प्लान करें, और आप आना चाहेंगे कि यस, अगर आप आना चाहेंगे एक मीटअप हम रख सकते हैं विद बब्जी, लेडी ऑली एंड जोई, जैसे ऐसे प्लेस की डिमांड होगी उस हिसाब से, और जल्दी ही हम ये मीटअप करने वाले हैं। तो जो जो मिलना चाहता है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपने अच्छे से हाइड आउट प्लेसेस बता दीजिए ताकि हम वहाँ पे आ सकें, और वो पेट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, सी यू टुमारो विद अ न्यू वन, बाय बाय गाइस।